What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज है 7th August 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:27 हो रहे हैं। फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। कल वीकली एक्सपायरी का दिन था और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम था। आरबीआई को लगता है कि अभी जो लॉकडाउन में स्थिति थी उससे कुछ हद तक बेहतर स्थिति इस समय है, तो थोड़ा सा रिकवरी आ रही है मार्केट में। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो होल्ड पर रखे हैं, अभी कोई भी रेट कट नहीं हुआ है, तो बाजार ने इसको थोड़ा सा नर्वस तरीके से लिया है। जो अपसाइड मूव आया था दो दिन पहले उसको कंटिन्यू रखा है, लेकिन जो ओपन हुआ था उसी के पास कल आके ये क्लोज हुआ है। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 6th August आफ्टर मार्केट आवर्स, ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ये आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,144 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,062। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ फर्स्ट टारगेट के पास, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, नीचे आया एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास, इसने सपोर्ट टेस्ट किया और यहां से फिर ये बाउंस बैक हुआ। तो फर्स्ट टारगेट 11,178 ये अचीव हुआ। काफी देर इस लेवल को ये पेनेट्रेट कर रहा था और नीचे एग्जैक्ट सपोर्ट, ये जो ब्रेकआउट लेवल था इसका एग्जैक्ट सपोर्ट ये टेस्ट कर रहा था। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का जब आउटकम था तो काफी वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल रहा था। उसके बाद सेकेंड टारगेट 11,207 ये भी अचीव हुआ और लगभग दिन का जो क्लोज था ये भी ऑलमोस्ट सेकेंड टारगेट के पास आकर ये क्लोज हुआ। काफी एक्यूरेट कल के भी लेवल साबित हुए, एग्जैक्ट सपोर्ट का भी इसने काम किया और रेजिस्टेंस का भी इसने काम किया। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते थे तो अराउंड 32 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 24,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं छोटा सा एक ट्रेडिंग फैब का क्विकली इंट्रो दे देता हूँ। ट्रेडिंग फैब ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो हमारे जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको फ्री में मिल सकती है। आपको जस्ट करना क्या है, अगर आपको अकाउंट ओपन करना है यहाँ पर क्लिक करना है तो ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है तो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है, क्लियर है, तो एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको जस्ट हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि आपका क्लाइंट आईडी हम कंफर्म कर सके और आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में हम ऐड कर सके। अभी ये हमारी तरफ से एक ऑफर है और एक अपस्टॉक्स की तरफ से भी एक बेहतरीन ऑफर है। अपस्टॉक्स में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपनिंग एब्सोल्युटली फ्री है, उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज के लिए जीरो ब्रोकरेज होगा, आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा नेक्स्ट 30 डेज के लिए। उसके बाद एक बिगिनर्स कोर्स फर्स्ट ऑन स्टॉक मार्केट ई लर्न मार्केट की तरफ से, जो कि 1,000 रुपीज का है लगभग, वो भी फ्री है। उसके बाद स्टॉक एज प्रीमियम मेंबरशिप भी आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिलेगी। तो ये अपस्टॉक्स की तरफ से आपको ऑफर है और इसी के साथ हमारा जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप भी है ट्रेडिंग फैब का, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकता है। तो ये जीरो तक का ऑफर था एक ट्रेडिंग फैब के बारे में, एक छोटा सा इंट्रो नए लोगों के लिए। तो चलते हैं सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार यूएस मार्केट में देखे तो नास्डैक करीब 109 के बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि यूरोपियन मार्केट्स में फिर से एक बार कमजोरी देखने को मिली, सभी लाल निशान में बंद हुए, लंदन मार्केट, फ्रांस मार्केट या फिर जर्मन मार्केट। आज एशियाई बाजार देख रहे तो लगभग सभी इस समय लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ी सी कमजोरी इस समय एशियाई बाजारों में देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर भी देखे तो 96 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल हफ्ते के लास्ट दिन ग्लोबल मार्केट से थोड़े से कमजोरी के संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, एक बार मंथली चार्ट को भी एनालिसिस कर लेते हैं। ये दूसरी और तीसरी बार है इस महीने में हम मंथली चार्ट को भी देख रहे हैं। बीच बीच में लॉन्ग टाइम फ्रेम चार्ट में क्या सीनारियो बन रहा है ये भी देखना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ से करेक्शन भी आता है, हमने देखा कि एक ऊपर ही 11,300 लेवल से एक छोटा करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर मंथली चार्ट को एनालिसिस करें तो 20 EMA
लास्ट मंथ इसने 20 EMA को ब्रेक किया था, इसके ऊपर क्लोज हुआ था। तो अभी 20 EMA जैसे यहाँ पर पास्ट में आप देख रहे हैं इसने सपोर्ट का काम किया है, उस तरह से ये अभी यहाँ पर फिर से एक बार सपोर्ट का काम कर सकते हैं। मेजर सपोर्ट होगा 10,800 का। अगर ये ब्रेक होता है तो निफ्टी में फिर से कमजोरी यहाँ से देखने को मिल सकती है। अभी 10,800 फिलहाल क्रूशियल सपोर्ट एज पर मंथली चार्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये मंथली चार्ट है, वीकली चार्ट में अगर देखें तो हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल जो ड्रॉ किया था इसका 11,184 यानी लगभग 200 के पास जो लेवल आ रहा था, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसी लेवल के पास आके ये क्लोज हो रहा है। तो आज अभी लास्ट डे है इस वीक का, तो क्या अभी ये इसके ऊपर क्लोज होगा या फिर जैसे लास्ट टू वीक्स इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट दिखाया था, हर्डल फेस किया था, इसके नीचे आके ये क्लोज होगा। अगर पास्ट डेटा को एनालिसिस करें तो आप देख सकते हैं ये जो जोन है यहाँ पर ये काफ़ी समय बिताता है, ये जो जोन है अपर बैंड और लेवल लोअर बैंड का, ऊपर 11,300 और नीचे ये अराउंड 10,600-10,700 के पास ये जो जोन बन रहा है, इस लेवल में ये काफ़ी टाइम स्पेंड करता है। तो अभी हम देख रहे हैं लास्ट टू वीक से इस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, अभी ये थर्ड वीक है, तो हो सकता है इस लेवल को फिर से एक बार यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज हमें देखने को मिले। तो ये जोन है जहाँ पर निफ्टी इंडेक्स काफ़ी टाइम बिताता है और उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेंड है उसका कंफर्मेशन देता है। तो ये अपर बैंड होगा और ये लोअर बैंड होगा, तो जैसे ही इसका कोई भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें आने वाले नेक्स्ट ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल सकता है। तो ये वीकली और मंथली चार्ट को हमने एनालिसिस किया है। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में जो लास्ट स्विंग हाई लो मिल रहा है उसको पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को हमने ड्रॉ किया था। नीचे RSI को देखें तो हायर हाइज बन रहे, ठीक है, हायर हाइज बन रहे, और ऊपर प्राइस एक्शन में जो स्विंग लो बना है जहाँ पर ये पीवर्ड बार रिवर्सल फॉर्मेशन हमने देखा था 2 दिन पहले, और उसके बाद अभी देख रहे हैं 2 दिन लगातार अपसाइड मूव यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसने 50% का लेवल भी ऑलमोस्ट यहाँ पर कल इसने अचीव कर लिया था, लेकिन यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर बन रहा था लास्ट 6 दिन अगर हम देखें तो, यहाँ से शुरुआत हुई थी 4 दिन लगातार लोअर हाई लोअर लोज का पैटर्न यहाँ पर बन रहा था। तो ऊपर 11,300 के पास एक मेजर हर्डल होगा, उसके बाद 61.8% 11,363 के पास हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से ये ऊपर कंफर्टेबली 11,271 को ब्रेक करता है तो, लेकिन अगर हम लास्ट टू कैंडल्स को देखें तो यहाँ पर बुल्स की स्ट्रेंथ बेयर से ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है, जहाँ पर ओपन हो रहा है उसी के पास आके क्लोज हो रहा है, एक इनडिसिसिव पैटर्न देखने को मिल रहा है, यानी बुल्स का स्ट्रेंथ थोड़ा कम होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर ये इन लेवल्स को अगर ये ब्रेक करता है 11,179 को, तो फिर से नीचे 11,065 और उसके बाद ये 20 EMA जहाँ पर इसने 2 दिन सपोर्ट टेस्ट करके एक बाउंस बैक दिखाया था, ये नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है, यानी ये ऑलमोस्ट अभी 11,000 के पास है। तो यहाँ से ये सपोर्ट के लेवल्स हो सकते हैं डेली चार्ट में। चलते हैं ये 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। 60 मिनट के चार्ट में देखें तो यहाँ पर अपसाइड स्ट्रक्चर का पैटर्न बन रहा है, 20, 50, 100 शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये तीनों भी असेंडिंग ऑर्डर्स में, और इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। हालांकि जहाँ से सेलिंग प्रेशर आया था वहाँ पर ही एग्जैक्ट इसने फिर से एक बार हर्डल फेस किया है। तो अगर निफ्टी इंडेक्स ये जो लेवल बन रहा है जहाँ से इसने कल यहाँ से एक फॉल दिखाया है, यानी 11,235 को ये कंफर्टेबली अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,261, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,282, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर निफ्टी इंडेक्स कल अगर आप देखें तो एक पर्टिकुलर लेवल बन रहा था, इसके नीचे ये क्लोज नहीं हो पा रहा था, यानी ये जो लेवल है अराउंड 11,167 इस लेवल को ये रिस्पेक्ट कर रहा था, इसके नीचे ये क्लोज नहीं हो पा रहा था। अगर आप देखें पास्ट में भी तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेके इसने बाउंस बैक दिखाया था, तो 11,167 को अगर ये ब्रेक करता है कम्फर्टेबली तो ही हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये जो 20 EMA है इसका फर्स्ट सपोर्ट ये यहाँ पर ले सकता है, तो 11,142 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा ये 50 EMA का ब्लू लाइन जो कि अराउंड 11,115 के पास है। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।